टेलीकॉम कंपनियों की कतार में खुद को सबसे सही बताने वाली एयरटेल धार्मिक भेदभाव को लेकर विवादों में फंस गई है। सारा विवाद शुरू हुआ था पूजा सिंह नाम की कस्टमर के ट्वीट से, जिससे एयरटेल डिजिटल टीवी कनेक्शन में गड़बड़ी की शिकायत की थी। पूजा की शिकायत पर शोएब नाम के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। इसके जवाब में पूजा ने ट्वीट किया, प्यारे शोएब, क्योंकि तुम एक मुस्लिम हो और मुझे मुस्लिमों के कामकाज की नैतिकता पर विश्वास नहीं है, एयरटेल आपसे प्रार्थना है कि किसी हिंदू प्रतिनिधि को ही भेजें। लेकिन पूजा की ट्वीट पर आपत्ति करने की जगह एयरटेल ने शोएब की जगह गगन ज्योत को भेजने का भरोसा दे दिया। एयरटेल के इस कदम पर ट्विटर पर घमासान शुरू हो गया और कई बड़े लोग एयरटेल के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मैंने पूरी बातचीत पढ़ी, मैं कट्टरता फैलाने वाली कंपनी को आगे से एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैं अपना नंबर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराकर इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मैं अपना डीटीएच और ब्रॉडबैंड भी कैंसिल कर रहा हूं। इस विवाद में स्वरा भास्कर जैसी जानी मानी अभिनेत्री भी कूद पड़ी। मामला तूल पकड़ता देख आखिरकार एयरटेल को सफाई देनी पड़ी। एयरटेल ने ट्वीट किया, प्यारी पूजा, हम कस्टमर्स, कर्मचारियों और पार्टनर्स के साथ जाति या धर्म के आधार पर अंतर नहीं करते हैं। हम आपसे भी कहते हैं कि इस तरह की बहस न करें। अगर कोई ग्राहक सर्विस के लिए हमसे संपर्क करता है तो जो प्रतिनिधि तत्काल उपलब्ध होता है हम उसे ही भेजते हैं। आपने जो सवाल उठाया है उसका हम जल्द ही जवाब देंगे। ये कहकर एयरटेल ने विवाद तो सुलझा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कंपनी की छवि को गहरा धक्का लग चुका था।